दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की सीरीज़ के ऊपर है, तो आज के सेशन में हम आईने पाकिस्तान 1962 के बारे में तफसील से जानेंगे। आपको याद दिलाते चलें कि इससे पहले हम आईने पाकिस्तान के हिसाब से दो सेशंस पहले कर चुके हैं, जिसमें हम करारदादे मकासिद यानि जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन था 1949 का, उसके ऊपर हम एक सेशन कर चुके हैं, और साथ ही जो दस्तूर पाकिस्तान 1956 का था यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ 1956, उसके ऊपर भी हम एक सेशन पहले कर चुके हैं। तो आपने अगर वो सेशंस नहीं देखे या मिस किए हैं तो आप उनको भी लाजमी देख लें, क्योंकि ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है। और पहले आपको वो सेशंस देखने चाहिए, क्योंकि आप वो दो सेशंस जब देख लेंगे तो ही आपको ये जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। साथ में आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, या इस पे आप नए हैं। लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, अपने कमेंट से भी हमें आगाह करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले सेशंस के बारे में आपको मालूमात मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ 1962 के बारे में। 1962 का जो कानून है ये पाकिस्तान में जून 1962 में जो है वो लागू किया गया, और ये मार्च 1969 तक जो है नाफिजुल अमल रहा, जब तक कि यहया खान ने मार्शल लॉ इम्पोज कर ली और उन्होंने 1962 के कानून को ख़त्म कर लिया एक LFO के आर्डर के जरिए, यानी लीगल फ्रेमवर्क आर्डर। ये पाकिस्तान में पहला एक LFO था जो किसी भी आर्मी डिक्टेटर ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो हुआ कुछ यूं कि अक्टूबर 1958 में इस्कंदर मिर्ज़ा जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उन्होंने 1956 के कानून को जो है ख़त्म कर दिया था, यानी एब्रोगेटेड किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 को। तो उसके थोड़े ही बाद फिर जनरल अयूब ने जो है इस्कंदर मिर्ज़ा को भी चलता किया और उसे जो है वो उन्होंने हटा दिया सदर के अहदे से और वो खुद सदर बन गए। इसी तरह से फिर 17 फरवरी 1960 को जनरल अयूब खान ने एक कमीशन बनाई और उस कमीशन को कहा कि वो एक रिपोर्ट बना के दे कि पाकिस्तान में आने वाले जो मुस्तकबिल का सेटअप हो वो किस तरह से। उस कमीशन में एक जो है वो उस वक्त के यानी साबिक चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, जिसका नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन, और वो उसके सरबराह थे, और उसके साथ 10 मेंबरान और थे, जिनमें 5 मेंबरान जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान से थे यानी जिसको मॉडर्न डे हम बांग्लादेश कहते हैं, और फिर 5 मेंबर्स जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान से थे। तो ये जो 10 मेंबरान थे, ये 10 मेंबरान में से कुछ जजेस थे, इसी तरह से कुछ वकला थे, और इसी तरह से कुछ जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे यानी वो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, और बाकी जो थे वो वडेरे और सरदार थे, आम आदमी कोई भी नहीं था, क्योंकि आम आदमी की गुंजाइश भी नहीं है। कानून बनता आम आदमी के लिए है, तो वो जो है वो अमीर लोग बनाते हैं या जो ताकतवर लोग हैं, तो फिर आम आदमी की यहाँ पे जरूरत कोई नहीं। बहरहाल तो ये जो कमीशन बनाई थी जनरल अयूब ने, जिनमें 11 ये लोग थे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, तो उन्होंने फिर कमीशन ने जो रिपोर्ट है वो जनरल अयूब को जो है वो प्रेजेंट की अप्रैल और मई 1959 में। जनरल अयूब ने उसका बगौर जायजा लिया और साथ में जो उसकी कैबिनेट थी, जो यानी विफाकी काबीना थी, उन्होंने भी फिर उसका जो है बगौर जायजा लिया, और इसी तरह से इन्होंने जो है फिर इसको पास किया। जनवरी 1962 में कैबिनेट ने जो है इसको यानी फाइनली पास कर दिया, और उन्होंने इसको कहा कि ये मुल्क का नया आइन या नया कानून होगा। तो इसी तरह से जनरल अयूब ने उस पर दस्तखत कर लिए 1 मार्च 1962 को, और इसी तरह से जो उस वक्त की असेंबली थी उस असेंबली ने जो है इसको 8 जून 1962 से ले के मुल्क में जो है वो नाफिजुल अमल कर दिया इस नए कानून को, जिसको हम कहते हैं 1962 का कानून। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 250 सिकें थी, 1956 के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 254 थी, और इसी तरह से इसके 12 हिस्से थे और इसके 3 शेड्यूल्स थे, जबकि 1956 के कानून में 6 शेड्यूल्स थे। तो इन्हें तकरीबन ये 1956 की जितना ही यानी एक दस्तावेज था उससे थोड़ा कम था। और इसी तरह से ये जो कानून 1962 का है ये पाकिस्तान में करीबन 44 महीने जो है वो लागू रहा,
और जब जनरल जिया ने जो है मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया तो ये कानून जो है वो ख़त्म हो गया, यानी एब्रोगेशन ऑफ लॉ जो है वो मार्शल लॉ से हुई और फिर उसके बाद जो है मुल्क में LFO जो है जनरल जिया लाए लीगल फ्रेमवर्क आर्डर, जो कि पाकिस्तान के आइन या कानून की तारीख में पहला LFO था। 1962 के कानून में कुछ अजीब व गरीब किस्म की प्रोविजंस हैं, ये 1956 के कानून से बिल्कुल भी यानी मुतसाद हैं या अगेंस्ट हैं। 1956 में जो है वो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, लेकिन 1962 के कानून में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी मुल्क में सदारती निज़ाम में हुकूमत जो है वो लागू किया गया। और इसी तरह से इसमें जो सदर था उसकी जो उम्र थी वो कम अज़ कम 35 साल मुकर्रर कर दी गई, और ये तय पाया कि मुल्क का जो सदर है वो लाजमी तौर पे कोई मुसलमान ही होगा जो बनेगा, मुसलमान के अलावा नॉन मुस्लिम जो है या गैर मुस्लिम जो है वो इस मुल्क का सदर नहीं बन सकता। इसके अलावा इस मुल्क में इलेक्टोरल कॉलेज कायम कर दी गई, जिसमें फिर ये था कि वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुल्क के लिए आने वाला सदर जो है वो मुंतखब करेगी, यानी एक किस्म का यानी इनडायरेक्ट वे था जिसमें इलेक्शन जो है वो सदर की यानी आम आदमी या आवाम जो थे वो सदर पाकिस्तान को डायरेक्ट मुंतखब नहीं करेंगे। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज थी इसमें बुनियादी तौर पे 80,000 जो थे वो बेसिक डेमोक्रेट्स थे, और ये 80,000 में जो 40 बेसिक डेमोक्रेट्स थे वो ईस्ट पाकिस्तान से थे, और इसी तरह से 40 जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान से थे, और फिर 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स में आगे जो है किसी एक ने सदर मुंतखब होना था। तो 1962 के आइन के तहत सदर के लिए अगर इन 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स में से 3 लोगों से अगर ज़्यादा लोग जो हैं वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हम सदर के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर ये तय पाया कि जो स्पीकर था नेशनल असेंबली का वो एक ज्वाइंट सेशन बुला के उसमें फिर स्क्रूटनी करेगा, और स्क्रूटनी के दौरान वो सिर्फ 3 जो यानी कैंडिडेट्स होंगे सदारती इलेक्शन के लिए उनको अहल ठहराएंगे, और बाकी जो लोग हैं उन्हें वो रिजेक्ट कर लेंगे या इन एलिजिबल ठहराएंगे। इसी तरह से इसमें ये था कि क्योंकि सदर अयूब खान उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे, तो ये था कि जो उस टाइम सदर थे वो यानी इस स्क्रूटनी के अमल में जो है वो शामिल नहीं होंगे, यानी उन्हें जो है वो इससे इस्तिस्ना हासिल होगी, यानी जो स्पीकर था नेशनल असेंबली का वो जब स्क्रूटनी करेगा अगर 3 से ज़्यादा लोग मिसाल के तौर पे सदर के लिए अगर आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसमें जो उस वक्त हाजिर जो सदर था पाकिस्तान का जनरल अयूब, तो उसको यानी एक किस्म की इस्तिस्ना दी गई कि वो इससे बरी जिम्मा होंगे, यानी उसकी स्क्रूटनी नहीं हो जाएगी। इसी तरह से इनकी प्रोविजंस में एक प्रोविजन ये थी कि सदर की इम्पीचमेंट जो है वो तभी होगी जब असेंबली जो है वो यानी 3/4 असेंबली के मेंबरान जो हैं वो उसके इम्पीचमेंट के हक में वोट देंगे, तब जो है सदर को अपने ओहदे से हटाया जाएगा। अगर 3/4 से कम लोग अगर असेंबली में वोट देंगे तो फिर सदर को अपने ओहदे से नहीं हटाया जा सकेगा या उसकी इम्पीचमेंट नहीं हो पाएगी। इसके अलावा ये था कि अगर सदर के खिलाफ जो है कोई यानी तहरीक अदम एतमाद यानी इम्पीचमेंट की तहरीक अगर लाई जाएगी असेंबली में, तो उसमें ये था कि आधे लोग असेंबली के लाजमी तौर पे उस इम्पीचमेंट या अदम एतमाद की तहरीक को वोट करेंगे, अगर आधे से कम तादाद में जो है मेंबरान ने वोट किया तो फिर जो मेंबरान ये अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे सदर के खिलाफ फिर उनकी असेंबली से रुकनियत जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। तो यानी ये एक किस्म की अजीब जो है वो शर्त थी जो कि 1962 के कानून में थी, यानी एक तरह से ये था कि सदर के इम्पीचमेंट के लिए कोई तहरीक भी लाने से पहले 10 बार सोचे। इसी तरह से ये सेलियंट फीचर्स हैं 1962 के आइन के, कि ये भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 की तरह, और इसमें जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि 250 इसमें शकें थी और इसमें 3 शेड्यूल्स थे और इसके 12 हिस्से थे, और दूसरी पॉइंट ये कि ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी इसमें तरमीम इंतहाई मुश्किल थी कि असेंबली जो है 1962 के कानून में तभी तरमीम कर सकेगी जब 2/3 अक्सरियत जो है लोगों की यानी 0.66% जो है जो पार्लियामेंट के मेंबरान थे वो अगर उसके यानी तरमीम के हक में वोट देंगे तो ही इसमें तरमीम हो पाएगी, और फिर वो तरमीम जो है वो सदर की इजाज़त से मशरूत होगी। और इसी तरह से मुल्क में 1956 की तरह
फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था यानी वफाकी तर्ज हुकूमत वो वही जैसे पहले था वैसे लागू किया गया। अलबत्ता इसमें चेंजेस ये थी कि पहले फेडरल गवर्नमेंट का जो हेड था वो प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन अब जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया। और इसी तरह से दो सूबे थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो चीफ मिनिस्टर की जगह पे वहाँ पे सारे पावर्स जो हैं वो गवर्नर्स को दिए गए, और गवर्नर्स को जो है वो यानी ये अख्तियार भी था कि वो जो है वो अपनी कैबिनेट जो है वो खुद से नामिनेट करें, यानी अपनी काबीना और वो वजीर जो हैं सूबाई वजीर वो खुद मुंतखब करें, जिस तरह ये सदर को अख्तियार था कि वो मरकज़ में अपनी काबीना और अपने जो उजरा हैं वो खुद मुंतखब करेंगे। इसी तरह से ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो मैंने आपको बताया पॉइंट फोर में, और इसमें भी 1956 की तरह यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, यानी एक ही उसमें पार्लियामेंट होगी, तो उसको हम कहते हैं कि यानी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। और पॉइंट नंबर छः कि इसमें इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन था, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें इलेक्ट्रल कॉलेज जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी, और उसमें ये था कि पहले इलेक्ट्रल कॉलेज में 80 जो हैं वो बेसिक डेमोक्रेट्स आएंगे, और फिर वो जो हैं आगे मुल्क का जो है वो सदर मुंतखब करेंगे, यानी डायरेक्ट इलेक्शंस जो थे वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन था बिलखसूस मुल्क के सदर के लिए। इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त दो सूबे थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, वन यूनिट के अकॉर्डिंगली जो कि मोहम्मद अली बोगरा ने वन यूनिट इंट्रोड्यूस किया था 1954 में यानी 1954 में, तो इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में ये था कि यहाँ पे गवर्नर जो थे वो सूबे के हेड थे चीफ मिनिस्टर की जगह, यानी वजीर अला की जगह गवर्नर जो है उसे सारे अख्तियार दिए गए, और उसे ये भी अख्तियार हासिल था कि वो सूबे में अपनी जो है सूबाई काबीना मुंतखब करे, यानी नामिनेशन करे अपने प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की या कैबिनेट की, और वो फिर सूबे में जो चाहें तो अपने हिसाब से कोई तरमीम भी कर सकते थे कानून में, लेकिन उस तरमीम को नाफिजुल अमल होने से पहले सदर पाकिस्तान से उसकी इजाज़त लेना लाजमी थी, या वो तरमीम जो है वो सदर पाकिस्तान की इजाज़त से मशरूत कर दी गई। इसी तरह से एक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाई गई, यानी एक सूबाई एक कानून साज जो है वो इदारा बनाया गया, उसमें ये था कि 50-150 मेम्बरान जो हैं वो हर सूबे में थे, और बाद में ये तादाद जो है वो 218 तक जो है वो कर दी गई, कि ये 218 लोग जो हैं वो सूबे के अंदर कानून साजी के अमल के लिए जिम्मेदार जो है वो थे, यानी कानून साजी का अमल उनके जिम्मे था। इसी तरह से जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स थे उसमें ये था कि प्रेसिडेंट का जो यानी टेन्योर था, यानी जो उसका दौरानिया था वो 5 साल जिस तरह 1956 में था वैसे ही किया गया, और इसी तरह से सदर जो था उसको ये अख्तियार दिया गया कि वो असेंबली की तरफ से अगर कोई कानून जो है वो बनता है या लेजिस्लेशन होती है या कोई तरमीम होती है तो वो उसको वीटो कर सकता है, यानी वो उसे रोक सकता है और उसे ओवरराइड कर सकता है, और फिर वो सदर उस कानून को जब वो रोक लेता है तो फिर ये कि है वो दोबारा नेशनल असेंबली में आएगा, और फिर अगेन 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर वो बिल पास होता है तो ही वो कानून का हिस्सा बनेगा, अदरवाइज़ वो नहीं बनेगा। इसी तरह से सदर पाकिस्तान से जो है असेंबली को डिसॉल्व करना यानी ख़त्म करने का अख्तियार जो है वो वापस ले लिया गया, अलबत्ता ये था कि सदर असेंबली के साथ अपनी ऑफिस को भी अगर डिसॉल्व कर ले यानी पूरा सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाए तो फिर उसको ये अख्तियार था, यानी सदर मुल्क में पूरा का पूरा जो एक इलेक्टोरल सिस्टम था वो ख़त्म कर ले और दोबारा से यानी ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे वो दोबारा से हों, तो उसमें बशमूल सदर जो है वो भी घर जाएगा, सिर्फ पार्लियामेंट नहीं। इसी तरह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि सदर के ऑफिस तक रिस्ट्रिक्शंस में वो की गई कि वो किसी भी यानी सरकारी नौकरी में या किसी सरकारी सर्विस में जो है वो नहीं होगा, या उससे वो कोई अपना ज़ाती फ़ायदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता ये था कि वो प्राइवेट तरीके से अगर कोई बिजनेस करता है या उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो रख सकता है, सरकारी तौर पर नहीं। इसी तरह से इस्लामिक लॉज जो हैं 1962 के कानून में जो हैं वो इंट्रोड्यूस यानी करा दिए गए थे 1956 की तरह, और उसमें यही था कि ऐसा कोई भी कानून जो है वो मुल्क में नाफिजुल अमल नहीं होने दिया जाएगा जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ हो, यानी कुरान और सुन्ना की तालीमात से मुतसादम रखता हो।
इसी तरह से 1956 की तरह जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सो कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, जो कि लोगों को आज तक नहीं मिले, वो के उनको दिया जाएगा। यानी ये पाकिस्तान के शहरियों को यानी एक हक होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और इसी तरह से वो अपने मज़हब के अकॉर्डिंगली अपनी इबादत कर सकेंगे, अपनी वो सामाजिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे, अपने राइट से वो इस्तेफादा हासिल करेंगे, और इसी तरह से उन्हें लाइफ का जो राइट है, राइट टू लाइफ, और इसी तरह से फिर राइट प्रॉपर्टी, वो उन्हें दिए जाएंगे। रोल ऑफ जुडिशरी वो भी 1956 की तरह था कि अदलिया आज़ाद होगी और उसका काम होगा कि वो कानून की तशरीह करे, या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो पास होंगे सदर के थ्रू, तो उनकी तशरीह करना भी जो है वो अदालत का काम था, और वो अदालत की जो एक हद थी वो उस आइन में मुकर्रर कर दी गई थी। इसी तरह से 1962 के कानून में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंट्रोड्यूस करा दी गई, ये अब भी पाकिस्तान में है, लेकिन 1962 के कानून में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी उसमें जो है यानी ये था कि दो उसमें जजेस थे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो रखे गए सुप्रीम कोर्ट के, और चीफ जस्टिस जो था सुप्रीम कोर्ट का वो उनके साथ, यानी कुल मिला के ये तीन लोग थे, एक चीफ जस्टिस और दो फिर जस्टिस जो हाई कोर्ट्स के थे, उनको जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तौर पर यानी जो है वो नामिनेट किया गया, या ये एक इदारा बनाया गया जो कि आम तौर पर यानी जजों के एहतसाब के लिए बनाया जाता है। इसी तरह से कुरान करीम की तालीमात और इस्लामिया जो है वो पूरे पाकिस्तान में कंपलसरी कर दी गई, सब मुसलमानों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए भी कंपलसरी कर दी गई कि इस्लामिया पढ़ाई जाएगी। इसी तरह से ज़कात का और इसी तरह से औकाफ़ का निज़ाम जो है वो मुल्क में इंट्रोड्यूस किया गया कि उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से ज़कात जो है वो ली जाएगी, इकट्ठी की जाएगी और उसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और साथ में मसाजिद जो हैं उनकी देखभाल का भी इंतज़ाम कर दिया गया। इसके अलावा प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की बात की गई, मुल्क में शराब और जुआ जो है उसे बिल्कुल बैन कर दिया गया, और कहा कि इस तरह के जो भी यानी सामाजिक बुराइयां जो कि इस्लाम के तालीमात के बरक्स हैं तो उन्हें हर सूरत में रोका जाएगा और उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यानी 1962 के कानून में पाकिस्तान में शराब नोशी और जुआ जो है वो बिल्कुल भी बैन कर दी गई थी या बंद कर दिया गया था। तो ये था 1962 का कानून। आई होप कि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिलचस्प मालूमात मिली होंगी, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान जो है अब उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे अब हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो सी यू टिल द नेक्स्ट सेशन। आपसे जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोबारा है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसे अभी तक नहीं किया, और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो सी यू देन। अल्लाह हाफिज़।